नमस्कार, जय हिंद। मैं अटल, आप सभी का अपने खास बुलेटिन सुसमाचार में स्वागत करती हूं। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। दिल्ली के पश्चिम विहार में श्री रामलीला मंचन शुरू होने से पहले भूमि पूजन कार्यक्रम का आयोजन। देश के कई हिस्सों में दिखी गणेश विसर्जन की धूम। दिल्ली के अम्बेडकर नगर में भी दिखा गणेश विसर्जन का उत्साह। जयपुर के विद्याधर नगर में संत श्री हरिशरण जी महाराज की श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन। और लखनऊ में पूज्य विनोद जी महाराज के श्रीमुख से श्री राम कथा एवं पर्यावरण सुरक्षा यज्ञ का भव्य आयोजन। सबसे पहली खबर राजधानी दिल्ली से। दिल्ली के पश्चिम विहार में दशहरा महोत्सव के उपलक्ष्य में पश्चिम विहार रामलीला कमेटी और लॉयंस क्लब पश्चिम विहार ग्रेटर 321A2 के सहयोग से श्री रामलीला मंच शुरू होने से पहले प्रसिद्ध समाजसेवी डॉ राम गोपाल गोयल ने अन्य कई साथी सदस्यों के साथ भूमि पूजन किया। आपको बता दें, श्री रामलीला मंचन का शुभारंभ 29 सितंबर से 9 अक्टूबर तक पश्चिम विहार के राधा कृष्ण मंदिर ग्राउंड में किया जाएगा, जिसकी शुरुआत से पहले वहां पर भूमि पूजन किया गया। ये रामलीला हम तकरीबन 35 साल से करते आ रहे हैं। मैंने इस रामलीला में हनुमान का रोल भी किया है और हम इस रामलीला को आए साल बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। हमारी रामलीला एकदम धार्मिक रामलीला होती है, कोई कमर्शलाइज नहीं होती, क्योंकि हमारे जितने कलाकार होते हैं सारे लोकल कलाकार होते हैं और वो लोकल कलाकार 2 महीने पहले अपने अपने रिहर्सल में अपने अपने लग जाते हैं और अपने डायलॉग डिलीवरी इनकी इतनी अच्छी हो जाती है कि ना तो पीछे से किसी बोलने की आवश्यकता पड़ती, ना ही किसी की इंस्ट्रक्शन देने की आवश्यकता पड़ती। तो लोग इसको इसलिए बहुत लोग देखने आते हैं और बड़े मन से चाव से देखते हैं। इस दौरान रामलीला में भाग लेने वाले कलाकारों ने एक से बढ़कर एक बड़ी मनमोहक प्रस्तुतियां दी। इस वर्ष मैं श्री रामचंद्र जी का किरदार निभा रहा हूं पश्चिम रामलीला कमेटी में, और राम जी के करेक्टर से जो हम सीखना चाहते हैं और जो सीखते भी आए हैं उसे हम आगे भी संदेश देना चाहेंगे कि जब भी मर्यादा का नाम लिया जाता है श्री राम जी का नाम हमेशा सबसे आगे आ जाता है। उनसे हम यही सीखें कि किस तरह बड़ों का सम्मान करें, छोटों से प्यार करें और किस तरह अपना जीवन एकदम सहजता से सरलता से हम व्यतीत करें और अभिमान ना आए, कभी भी किसी के प्रति रुष्ट ना हो, क्रोध ना हो और सबको प्रेम की नजर से देखें, सबको एक नजर से देखें और सबसे छोटे बनकर चलें। पश्चिम बिहार रामलीला कमेटी से पिछले 15 सालों से जुड़ा हूं और मैं यहां पर लक्ष्मण का पात्र अदा करता हूं। उनका पात्र यही है कि वो हमेशा थोड़े अग्रेसिव रहते थे, गुस्से में रहते थे, तो मुझे मौका मिलता है क्योंकि मैं भी हमेशा गुस्से में ही रहता हूं, तो मुझे बस एक सेवा का मौका मिलता है कि मैं लोगों को उनका रूप दिखा सकूं। इसके अलावा इस मौके पर रक्तदान शिविर का भव्य आयोजन भी किया गया, जिसमें कई लोगों ने रक्तदान कर मानव सुरक्षा के निमित्त जिम्मेदारी प्रस्तुत की। इसके साथ ही साथ इस कार्यक्रम में छोटे बच्चों की ड्राइंग कंपटीशन का भी आयोजन किया गया, जिसमें शीर्ष 10 बच्चों का चयन कर उन्हें सम्मानित भी किया गया। रुक करते हैं दूसरी खबर की ओर। गणेश चतुर्थी के दिन गणेश जी का आगमन होता है और अनंत चतुर्दशी के दिन बप्पा भक्तों से विदा होकर अपने लोक लौट जाते हैं। इस तरह हर साल गणेश उत्सव 10 दिनों का होता है, लेकिन जो लोग 10 दिनों तक विधि विधान से गणेश जी की पूजा कर पाने में असमर्थ होते हैं वह बीच में भी गणपति विसर्जन कर लेते हैं। लोग अपनी श्रद्धा और क्षमता के अनुसार 4 दिन, 5 दिन, 7 दिन या 11वें दिन बप्पा का विसर्जन करते हैं। इस साल अनंत चतुर्दशी 12 सितंबर को है, ऐसे दिन गणपति का विसर्जन होगा। इसी क्रम में हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी दिल्ली अम्बेडकर नगर दक्षिणपुरी ब्लॉक 5 में गणेश उत्सव का आयोजन किया गया था। उत्कल यूथ एसोसिएशन के द्वारा आयोजित यह 5वां कार्यक्रम रहा। आपको बता दें, उत्कल यूथ एसोसिएशन पिछले 5 सालों से इसी तरह गणेश उत्सव मना रहा है। इस दौरान कार्यक्रम में हर शाम कई सांस्कृतिक कार्यक्रम
और झांकियों का आयोजन किया गया था और कल इसके अंतिम पांचवें दिन में गणेश विसर्जन किया गया। अभी वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द होंगे हाजिर, तब तक बने रहिए हमारे साथ।